हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक रेसिपी व्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे का चार, अंडे का सालन नहीं, अंडे का चार। जी हाँ, बरोबर सुने, अंडे का। तो इसकी इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी देखिए, बहुत सिंपल और बहुत मज़े की बनती है। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से अंडे का चार बनाने वाली हूँ। मैं फूटे हुए मैदे का नहीं बना रही हूँ, अक्के अंडे बॉयल कर बनाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे और से आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने मिलते रहे हमेशा की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अंडे के चार की रेसिपी। तो आज हमें ना अंडे का चार बनाने वाले हैं। तो आज मैं अंडे बॉईल कर चार बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो एक मिनट, तो अंडे का चार फूटे हुए अंडे का भी बनता है, बट मैं आज अंडे उबाल कर अंडे का चार बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 अंडे लिए हूँ। आप चाहिए तो अपने हिसाब से अंडे ले सकते हो, 4 का भी बना सकते हो, 8 के भी बना सकते हो, 10 के बना सकते हो, जितने मेंबर हैं आप उतने मेंबर के बना सकते हो। तो अभी हमने देखिए पानी गर्म हो रहा है, तो अभी मैं एक ढक्कन रख दूँगी और अंडे को उबलने तक पकने दूँगी। यहाँ पर अभी इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या ले गए, यहाँ पर मैंने 4 कांदे कट कर दी हूँ, 4 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी कोथमीर है, 4 टमाटर है, 1 अक्खा नारियल है, इसको इस तरह से कट करना है, भुना हुआ ज़ीरा है, 4 लौंग है, 2 दालचीनी है, कड़ी पत्ता अपने हिसाब से लेना है, और इधर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और 1 चम्मच जीरा पाउडर है, और इधर 2 चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। आपको चाहिए तो आप लोग अक्खा अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक मिक्सर का जार ले लिए, तो इसमें है ना हम थोड़े से ये कांदा इसमें डाल देंगे, जैसे कि तकरीबन दो कांदा इसमें जाएगा, कोथमीर जाएगी, हरी मिर्चें जाएगी, अदरक लहसुन जाएगा, इसी के साथ दालचीनी, लौंग और भुना हुआ ज़ीरा। ये सारी चीज़ों को अभी मैं पेस्ट बनाकर आपको दिखा देती हूँ। अभी है ना हमने फिर से देखिए मिक्सर का जार ले लिए, तो इसमें है ना अभी ये जो खोपरा है, मैं खोपरे को डाल रही हूँ। खोपरे के साथ साथ ये टमाटर भी इसी में पीसे जाएंगे। आपको चाहिए तो आप लोग है ना इसमें इमली भी डाल सकते हैं, एक टेंगी फ्लेवर आने के लिए, जिसको अगर खट्टा पसंद है, चार है ना खट्टे होते हैं, तो अगर आप लोगों को चाहिए कि खट्टा बनाना है तो थोड़े इमली भी ऐड करें। मैं इमली नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को नहीं पसंद है खट्टा, इस वजह से। तो अभी इसका भी एक पेस्ट तैयार करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देखिए मेरा मसाला किस तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए कितना बारीक पीस लियो मैंने खोपरे और टमाटर को भी। तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो गई है, तो चलिए अभी बघार की आगे की रेसिपी बता। यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अभी इसमें है ना हम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आपको जितना ऑयल चाहिए उतना तरी आएगी, तो ही आपका अंडे का चार अच्छा लगेगा। अभी हम थोड़ा तेल गरम होने देंगे। तो अभी तेल गरम हो चुका है, तो इसमें मैं 1 चम्मच भर के राई डाल दे रही हूँ। राई थोड़ी फूट जाएगी तो फिर हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। देखिए हमारी राई फूट रही है, तो मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल दे रही हूँ। राई फूट गई, कड़ी पत्ता बगर गया, तो अभी हम इसमें कांदा ऐड कर देंगे। कांदे को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। यहाँ पर है ना देखिए हम लोग को बीच बीच में कांदे को चलाते रहना है, वरना कांदा जल जाएगा। इसको जलाना नहीं है, इसको मीडियम सोटे होने तक हमें पकाना है। देखिए कांदा अच्छी तरह से पक चुका है, तो अब इसमें जो पीसा हुआ मसाला है हम ये ऐड कर देंगे।
हमने यहाँ पर देखिए मसाला डाल दिया, हल्का सा हमने पानी डाला है, तो इसे है ना अभी हम 2 से 5 मिनट तक पकने देंगे अच्छी तरह से, जब तक मसाले हमारे अच्छी तरह से भून नहीं जाते और इसकी महक मर नहीं जाती है। यहाँ पर है ना देखिए मैंने अंडे उबाल लियो और अंडे अच्छी तरह उबल चुके हैं और मैंने इसको है ना इस साइड इस तरह से कट करी बीच में से, हमको एक अंडे के 2 टुकड़े कर देना इस तरह से। तो यहाँ पर है ना देखिए जो पीसा हुआ मसाला भून चुका है, तो हमने यहाँ पर जो ये पाउडर मसाले लिए अभी हम वो ऐड कर देंगे और इसमें ही नमक भी डाले थे हमने आपको दिखाए थे स्टार्टिंग में। तो देखिए अभी मैं इसे भी 2 से 5 मिनट तक भून लूँगी अच्छी तरह से, जब तक ये मसाले अच्छी तरह सौटे ना हो जाए, इसमें फ्लेवर ना आ जाए। इसमें फ्लेम को आपको फास ही रखनी है, आप चाहिए तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाउडर मसाले जो हमने डाले देखिए किस तरह से वो फ्लेवर छोड़ रहे हैं और देखिए तेल की परत कैसे ऊपर आ रही है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। मैं फिर भी इसको चला रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मसाले अंदर एब्जॉर्ब हो जाए इसके फ्लेवर सब। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जो ये टमाटर और खोपरे का मिक्सचर पीसे तो अभी हम इसमें वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी अभी 2 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मसाला देखे किस तरह से खटखट होके पक रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये अभी बहुत गाढ़ा है तो अभी हम इसमें है ना थोड़ा पानी इंक्लूड कर देंगे, जैसे 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मैंने बोली थी इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दी, आपको दिख रहा होगा पहले ये गाढ़ा था, अब ये थोड़ा सी देखिए इस तरह से ग्रेवी टाइप हो चुका है। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, अगर पतला खाना है तो आप लोग और पानी ऐड कर सकते हैं, मैं इसी टाइप में अभी इसे रहने दूंगी और पानी नहीं डालूंगी। तो अभी मैं इस पे ना ढक्कन लगा दूंगी, 2 मिनट तक इसे खोलने दूंगी, फिर हम इसमें अंडा डाल देंगे। पर आप लोग को दिख रहा होगा कि देखिए पानी में उबाल आ चुका है, तो अभी हम धीरे धीरे करके इसमें अंडे छोड़ेंगे। हमने अंडे को 2 हिस्सों में कट करा है, तो क्या है कभी पीला और वाइट अलग भी हो सकते हैं, तो बहुत केयरफुली इसे डालना है, एक साथ उठा के प्लेट के साथ नहीं डालना है हमें। इस तरह से हम डाल देंगे और पानी नहीं डालेंगे और हम इनसे पकने देंगे अभी थोड़ी देर तक, और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। यहाँ पर है ना देखिए तरी ऊपर आ चुकी है, तो अभी हम इसमें है ना कोथमीर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा सालन रेडी हो चुका है, सॉरी 4 अंडे का जो 4 मैंने बनाई हूँ, आप लोग उसे देखिएगा और इसे बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी रेसिपी है मेरी, तो मैंने आज अलग तरीके का बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं देखिए किस तरह से। ये देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ उठाकर भी, देखिए तो यहाँ पे अंडे का 4 रेडी हो चुका है, तो प्लेटिंग करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा अंडे का 4 माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, आपको एक क्लिपसिंग ऐसी करीब से भी दिखा रही हूँ, देखिए तो ये लजीज अंडे का 4 आप लोग बनाइएगा और अपने परिवार के साथ ज़रूर खाइएगा। आई होप आप लोगों को मेरे अंडे के 4 की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्दी न्यू ब्लॉग न्यू रेसिपीज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप लोगों से बार बार कहती हूँ, तो आप लोग यार फ्री का काम है यार, एक बटन दबा दोगे तो लाइक भी हो जाएगा और शेयर भी हो सकता है, और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आप लोग जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इसी तरह रेसिपी व्लॉग्स भी डालूँगी, आप लोग परेशान मत है, बीच बीच में कभी रेसिपी व्लॉग्स नहीं आए तो कोई और व्लॉग्स आएंगे जो मज़े के होंगे, हो सकता है इससे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने मिले। देखिए मेरा चैनल सिर्फ रेसिपीज़ के लिए नहीं है, सारी चीज़ों के लिए मैं बनाई हूँ, तो आप लोगों को सारी वीडियोस मिलेगी, घूमने की फिरने की आउटिंग की जो भी है वो मिलेगी, ऑलराउंडर है हमारा। तो मेरे चैनल पे रेसिपी ब्लॉग्स भी 101% आते रहेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए और आपकी सपोर्ट चाहिए माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलूंगी मैं, फिर हाजिर होंगी नगमा आपकी खिदमत में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।